नमस्कार, बबीताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आमरस और पूरी। अक्सर आमरस को पूरी के साथ ही खाया जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसे सेवई के साथ भी खाया जाता है। अभी इस समय खूब सारे आम आ रहे हैं, बहुत अच्छे, पूरे मार्केट में खूब अच्छे अच्छे आम आ रहे हैं। तो चलिए आमरस बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे किस तरह से बनाया जाता है। तो आमरस बनाने के लिए मैंने यहाँ दो आम ले लिए हैं मीडियम आकर के। धोकर इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं छीलकर। दो आम से ही काफ़ी सारा आमरस बन जाता है, तो चलिए इसे हम छील लेते हैं और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है। तो अब हम इसे मिक्सर जार में डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो चलिए डाल लेते हैं, ये देखिए मैंने डाल लिया है और ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगा कर इसे मैं अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। देखिए पीस लिया, इस तरह से अच्छे से ग्राइंड हो गया है। तो चलिए इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने हाफ कटोरी पीसी हुई चीनी ली है, आप ऐसे भी डाल सकते हैं चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। थोड़ी सी इलायची पाउडर और यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ। जितना आपको पतला या गाढ़ा रखना है, वैसे आम का रस थोड़ा गाढ़ा ही पूरी के साथ खाने के लिए गाढ़ा अच्छा लगता है। तो चलिए मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। चलिए इसे फ्रिज में डाल देते हैं ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए। तो चलिए पूरी बना लेते हैं। यहाँ 1.5 कप मैंने आटा ले लिया है, गेहूँ का आटा। इसमें मैं 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल दूंगी, 1/4 छोटी चम्मच चीनी और 2 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ आप घी भी ले सकते हैं। तो ये मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छा सा सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। पूरी के लिए थोड़ा सा सख्त ही आटा लगाएंगे, रोटी के आटे से थोड़ा सा हार्ड लगाएंगे। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छा सा आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है, बिल्कुल इसी तरह का आटा लगाना है। ये देखिए थोड़ा हार्ड है। तो चलिए ढक कर इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखिए 10 मिनट हो चुका है। थोड़ा सा मसल लेंगे और छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं इससे। तो चलिए इस तरह से बना लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, छोटे या बड़े आप अपनी पसंद के अनुसार पूड़ियाँ बना सकते हैं। चकले पर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और बेलन पर भी। तो चलिए पूड़ी बना लेते हैं। पूड़ी आप अपने पसंद के अनुसार छोटी या बड़ी कर सकते हैं। ऑयल गरम हो गया है, चलिए चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा टुकड़ा आटे का डालकर देखते हैं गरम हुआ है या नहीं। ये देखिए अच्छा सा गरम हो गया है। तो चलिए डाल लेते हैं पूड़ी। बिल्कुल इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से इसे फूलने देंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया, अच्छे से आसानी से फूल गई है पूड़ियाँ। आटा आप बिल्कुल इस तरह से लगाकर यदि तैयार करेंगे तो एक भी पूड़िया ऐसी नहीं होगी जो फूलेगी नहीं, सारी ही पूड़ियाँ बहुत आसानी से फूल जाएगी। तो चलिए ये सिक गई है, तो इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी की पूड़ियाँ भी बना लेते हैं। चलिए दूसरी भी मैंने बना ली है, इसे भी तल लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर ही पूड़ियाँ तलना है। ये देखिए तल गई है, इसे भी निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारी पूड़ियाँ तल ली है। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्लेटिंग कर ली है और ये देखिए कितना बढ़िया आमरस और पूड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है आमरस और पूड़ियाँ। ठंडा ठंडा आमरस और गर्मा गर्म पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। आमरस बनाते समय कुछ बातों का ध्यान देना ज़रूरी है कि आमरस के लिए आप अच्छे गूदे वाले बड़े आकार के ही आम लें, तभी आपका आमरस अच्छा गाढ़ा बनेगा। आमरस को फ्रिज में रखकर ठंडा करके ही परोसे, बहुत अच्छा लगता है गर्मा गर्म पूड़ियों के साथ। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं और यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।